हे गाइस, गुड मॉर्निंग करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। हो गाइस, नए ब्लॉग की शुरुआत हुई है। अच्छी शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि बोला नहीं जा रहा, स्वेलिंग आ गई है यहाँ पर, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है, मुंह बोल बिल्कुल पक गया है यहाँ से। एक्चुअली मुंह में छाले हो रखे हैं और गले में इन्फेक्शन हो रखा है बहुत ज़्यादा। अब जा रहा हूँ दवाई लेने के लिए, दवाई लेके आता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ, टेस्ट वगैरह कराने पड़ेंगे, तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी, रिपोर्ट वगैरह वो भी दिखानी पड़ेगी। क्या करें यार, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा बहुत, मतलब कोई भी चीज़ खाओ ना गले में लग रही है। एक बारी जाता हूँ डॉक्टर साहब से, मेडिसिन लेके आता हूँ, लिखवाता हूँ, और वो फैमिली डॉक्टर साहब ही हैं, उन्हीं से दवाई वगैरह मेरे को जो सूट करती है ना दवाई, उन्हीं की सूट करती है और किसी की सूट नहीं करती। इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी हैं डॉक्टर साहब ने, मैं कहा इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी हैं डॉक्टर साहब, ये हमारे फैमिली डॉक्टर साहब हैं, इन्हीं के पास आता हूँ मैं दवाई लेने के लिए, मेरे को दवाई इन्हीं की लगती है। ये गले में इन्फेक्शन है, सही हो जाएगा ना? तो ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। सारी दवाइयाँ लिख दी हैं उन्होंने डॉक्टर साहब ने। तो गाइस भैया अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फ्रिज की, मुझे वो जहाँ से लिए थे ना भैया ने, सागर भैया ने, उन्होंने मना कर करें भैया आएंगे, भैया ये अनबॉक्स वो खोल लेंगे, मैंने कहा चलो ठीक है। बड़ी जबरदस्त पैकिंग होती है इसकी। तो वाइस पैकिंग देख लो क्या खतरनाक वाली पैकिंग होती है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह थर्माकोल की स्क्रैच है बड़े बिल्कुल भी। ओपन, फाइनली ओपन हो चुका है फ्रिज यहाँ से, अब भैया डेमो देंगे। बिल्कुल ये कलर है ग्रे कलर, कौन सा कलर कहते हैं सर इसको? सिल्वर ग्रे। सिल्वर ग्रे कलर में ये रहा, और बाकी अभी देखते हैं कहाँ पर। लग तो डब्बे में काफ़ी बना रहा था, अब छोटा सा हो गया यार। तो गाइस फ्रिज ओपन हो गया, तो और मैंने पूरी डेमो की जो वीडियो है वो बनाई, मुझे बोला भी नहीं जा रहा है गला दर्द हो रहा है, पूरी डेमो की जो वीडियो बनाई है वो काकू फैमिली ब्लॉग में ब्लॉग आएगा। तकरीबन काफ़ी बड़ा अच्छा ब्लॉग बना है और पूरी डिटेल दी गई है कि फ्रिज के अंदर क्या क्या फ़ीचर है, कैसे है, कैसे कन्वर्ट होता है, और क्या क्या फ़ीचर आएंगे, कितना स्पेस है, कौन से मोड पे कैसे रहेगा, कौन से मोड पे कैसे रहेगा, हर चीज़ का उसमें ऑप्शन दे रखा है। बहुत अच्छे अच्छे फ़ीचर है, जिसने भी वीडियो देखनी हो काकू फैमिली ब्लॉग में जाना, पूरे फीचर देख लेना फ्रिज के प्रॉपर तरीके से। डेमो की वीडियो बनाई है, आपके कहने पे बनाई है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे भैया जब भी आपका फ्रिज ओपन होगा डेमो होगी तो प्लीज़ हमें वीडियो ज़रूर बनवाना, क्योंकि हमें बहुत हेल्प मिलेगी, अगर किसी ने लेना हो तो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हायर का फ्रिज है, 625 लीटर का है, और इससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। जिसने वीडियो देखी हो तो आप देख लेना काकू फैमिली। आज बस जल्दी आ गई थी और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, ये लो अनार का जूस भी हो गया, मैं रास्ते में जूस पीने लग गया, लेट हो गया। चलो बैठो काकू, गुड आफ्टरनून तो बोल दो गाइस को। फ्रिज का निरीक्षण कर रहे हो, तो गाइस स्वास्थ्य का निशान सबसे पहले हमने बना दिया। अब करेंगे इसकी सेटिंग, करते हैं भैया चले गए, सेटिंग करते हैं। मैं उसको एसी दिलवा के आ जाऊँ पहले, एसी वाले के बाद। अच्छा लेट हो गए, अब तो गए नहीं, लेट हो गए क्या करो यार, दुकान पे काम आ गया, कस्टमर आ जाएगा, बात हो गई। हाँ बोला भी ज़्यादा गला दर्द हो रहा, दवाई खाई है, अब क्या करो। गरारा कर लो, गरारा करने के लिए बोला उसने, रात को बोला रात को। गाइस एसी दिलवा दिया हमारी बहू रानी को, एसी दिलवा दिया, और बस मैं चलता हूँ फिर, ठीक है। गाइस कौन आया मिलने के लिए? मेरी बचपन की सहेली है, बिल्कुल। कितने साल बाद साथ यही प्यार प्यार हेलो। कितने साल बाद मिले हो आप? 22 साल बाद। बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि मेरा बेटा 21 साल का हो गया। तो गाइस ये यहाँ पर रहते थे, मैं आपको दिखाता हूँ इनका मकान जो है।
ये यहाँ पर रहते थे सामने। हाँ, तो बता तो रहे थे। हाँ, बताया हाँ। हुआ एक बात ये बिल्कुल डॉली की पड़ोसी थी एकदम। ये मेरी डॉली है, ये भी डॉली है इसका नाम भी डॉली है। फिर तो ताने मारे ने, तू भी नहीं आई, मैं भी नहीं आई, बस वो बच्चों के शादी के चक्कर में रह ही जाते। कई बार होता है ना भगवान जो मिलाने का होता है, देख लो। और रहते भी वहीं पर ही है जहाँ पे गोविंदपुरी जब शुरू में जहाँ पे आप रहते थे ना, कालका जी पड़ रहा था ना। मम्मी पास आई थी, शुक्र है ये आ गई, ताना मारने का सब बनता है पूरा। नहीं मैंने तो पहचाना नहीं, सही में बिल्कुल बनता, क्योंकि अब मिले ही नहीं इतने टाइम बाद, मिलना मुलाकात। मैंने पहचाना नहीं है, 22 साल बाद मैं नीचे आया। मैं कहा डॉली आपके लगता है कोई सब्सक्राइबर आया मिलने के लिए। सब्सक्राइब आते रहते हैं, सब्सक्राइबर भी मिलने के लिए आते रहते हैं। बिल्कुल प्यारी थी, बचपन का प्यार है, बचपन का भैया। दीदी भी, रिंपी दीदी भी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। अगर मिल जाएगा भी लेके आइए दीदी को, बोलियो प्लीज। भैया बढ़िया सा पिज्जा बना दो, वेजिटेबल वाला, मिक्स वाला, ठीक है। बारिश वाला मौसम हो गया भैया वहाँ। हाँ आप आयो, बारिश वाला मौसम आ गया है। हाँ लिखा हुआ है ये भाई साहब, आप आयो बारिश लेके आओ। बाहर बारिश वाला मौसम हो गया, बड़ा खतरनाक वाला। ये पहले मैं निकला था तो धूप थी, फिर आते हुए बारिश एकदम मौसम कितना शान वो हो गया। आ जा देखो डॉली, मम्मी की सहेली से 20 साल पुरानी सहेली से मिला। बुढ़ा बना दिया बड़े वाला, इसीलिए बस चाय ले रही है। आज मैं इस थर्मस में चाय लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो थर्मस ना काकू ले गया था उसमें ग्लूकोज डाल के, और बारिश आ रही है। बाय बाय डॉली, बाय कर, जा रहे हैं, बाय बाय कर दो भाई, बाय। साथ में ब्लॉग में देखियो, अब ब्लॉग में देखना, कल ब्लॉग में देखना, ब्लॉग में आ गया उसमें आ गया था। शॉप पे सामान बहुत ज़्यादा खुला हुआ है यार, कस्टमर आए हुए थे, अब चाय पीने का टाइम था, काफ़ी देर हुए चाय पीने के लिए, और बाहर बारिश वाला मौसम हो गया। अभी अभी बारिश हो के हटी है बहुत ज़्यादा, ये देखो बहुत भयंकर वाला मौसम होता है। जैसे मैं शॉप पे पहुँचा वैसे बारिश स्टार्ट हो गई थी, कस्टमर खड़े हुए थे नाप लिया है, और इसके बाद बारिश तनातन तेज़ बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। अब चाय वाय पीते हैं, अब थोड़ा सा ना दवाई खाई हुई है, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग रखी है होटों में, दवाई तो ही खा ली है। डॉक्टर कह रहे थोड़ा सा टाइम लगेगा इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे सारा जो नेक है वो पूरा पका हुआ है एकदम अच्छे ढंग से। तो गाइस बस चाय वाय पीते हैं, रुकते हैं। गाइस बारिश आ रही है बहुत तेज़ वाली, बारिश शुरू हो गई है, और मेरा दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने के लिए। मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, शब्बू भैया के लिए लाया हूँ आइसक्रीम, शब्बू भैया खाएँगे चॉपर, मैं खाऊँगा मैंगो, मुझे क्योंकि मैंगो पसंद है। बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़ वाली, ये लो भाई चौक पर बारिश शुरू हो गई है भैया बाहर। तो गाइस बारिश हो रही है बहुत तेज़, खतरनाक वाली बारिश शुरू हो चुकी है, और बिजली ऐसी गड़गड़ गड़गड़ कर रही है, कुछ कहने की नहीं। मैं कटिंग करने लगा था यार, मैंने कहा गले में कुछ खाया नहीं जा रहा, ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाएंगे ना तो ठीक है। मैं आ गया था दुकान से, और डॉली ने दे दिया बढ़िया सा मैंगो शेक बनाकर, मैंगो और बनाना मिक्स कर दिया, मिलावट करती है डॉली, मिलावट नहीं करती हूं, वो दोनों पड़ा था, अच्छा आ रहा है। तो आज डॉली की आई है फ्रेंड मिलने के लिए, सहेली यानी कि बहन जैसी है आई है 20 सालों के बाद। हाँ बिल्कुल सही बात। तो गाइस 20 सालों के बाद डॉली की बहन मिलने आई है आज। डॉली तो पहचान ही नहीं पाई थी, मैंने ही पहचान पाया था, मैं तो पहचान लिया था, आपने ही नहीं पहचाना था यार। मैंने सोचा कोई सब्सक्राइबर आया, चलो कोई बात नहीं। तो आपने पीछे आ रहे हैं कि भी आपने आपसे ज्यादा दोस्ती जोड़ दी, मेरी दोस्ती थी ना इसलिए मैं पहचान गया, आपकी दोस्ती थी भैया आपकी। तो गाइस बस नहीं पहचानो ना, मेरी शादी के बाद उसकी भी एकदम शादी हो गई ना अगले महीने ही, नहीं 20-22 दिन बाद शादी हो गई थी, अगले महीने तो हो गए, मार्च में हमारी, अप्रैल में उसकी हुई तो अगले महीने ही हो गए यार मेरे, मैंने कहने मतलब आसपास अगले महीने, एक महीने बाद आपके हिसाब से 20-22 दिन बाद, हाँ एक महीने 20-22 दिन बाद शादी हो गई। पर उसका लड़का बड़ा है, हमारा छोटा है, कोई बात नहीं। तो गाइस अब सेटिंग चेंज करेंगे, डिनर वगैरह कर लेंगे, ये अपनी जगह पर आ जाएगा, ये अलमारी अपनी जगह पर आ जाएगी, सब अपनी अपनी जगह पर आएगा अभी थोड़ी देर बाद, जरा अब डिनर विनर कर ले, उसके बाद आराम से सेटिंग, सुबह तक सारी चेंज आपको दिखाएंगे पूरी, बस चेंज ही होता रहेगा, बाकी सामान सामान नहीं हटेगा कभी, सब हटेगा। ये हो चुकी है हमारी पुरानी वाली सेटिंग है, सेटिंग हमारी आ गई, इसकी पन्नी भी नहीं उतरी, इसकी पन्नी उतरेगी अभी, ये अलमारी आ गई, यहाँ पे ज्यादा डिजाइन नहीं छुपा, प्रॉपर डिजाइन आ रहा है यार एकदम। हाँ काकू जी
आप उठ जाओ, काकू बेचारा सो गया था, खेल खेल के थक गया था। अगर हम पूरा प्रॉपर कर देंगे ना तो डिजाइन पूरा दिखेगा। हम पीछे हमने गैप छोड़ रखा, नहीं नहीं लग जाएगा फिर इसको। और गाइस फ्रिज आ गया यहाँ पर, ये फ्रिज तो चले जाएगा छोटे वाला, इसने बहुत साल साथ दिया है, 20 साल हो गए है, 2004 में लिया था, 20 साल हो गए, अभी तक खराब भी नहीं हुआ। नवंबर में 20 साल नहीं बेटे, 2004 में 5 में लिया होगा, 19 साल हो गए हैं। 19 साल फिर भी बहुत साथ दे दिया इसके, आज तक टच वुड कभी खराब नहीं हुआ, कभी भी खराब नहीं हुआ, कभी भी इसने एक बार भी हमें मैकेनिक का रास्ता नहीं दिखाया, ये भी नहीं दिखाए, कोई बात नहीं। तो गाइस ये सेटिंग हो गई है सामने की, सामान सामान अंदर रखना है, ये सामने फ्रिज आ गया और कैबिनेट आ गई है, ये फ्रिज हट जाएगा आगे जगह, थोड़ी सी कैबिनेट से ये ज्यादा और थोड़ी चौड़ी बनती ना बराबर। अब ये देखना यहाँ से व्यू, ये देख यहाँ से बिल्कुल कमरा, ये फ्रिज हट जाएगा ना ये वाला, हाँ, कमरा बिल्कुल खाली खाली दिखाई देगा एकदम। हाँ ये देखना व्यू सही आ रहा है तरीके से, सही है। अब आगे से वो फ्रिज, अब ये फ्रिज खुलने की जगह भी मिल गई है प्रॉपर। एक्चुअली ये ना अलमारी कम बराबर की थी ना, तीन सूट ज्यादा हो गई ना, ये दो तीन ढाई दो ढाई इंच ज्यादा हो गई। फ्रिज को ओपन कर दो या चालू कर दो, चालू किया नहीं हमने, नहीं प्लग लगा दिया, बटन नहीं चालू किया, चालू हुआ नहीं क्या, लाइट नहीं जल रही, अभी जलेगी लाइट, जल गई है लाइट, थोड़ी देर बाद जल गई लाइट। तो गाइस ये अच्छे तरीके से आप देख लेना, और ये डॉली ने भोग रखा दिया ड्राई फ्रूट का, भगवान जो लगाएंगे अभी ये भोग लगा देंगे, जल दूध तो चढ़ाने में पहली बार नई चीज में। चलो ठीक है भैया इसको करो बंद, ऐसी मजाक चल रहा है, निक्की आ गई थी ऊपर देखने के लिए, फ्रिज की सेटिंग पहले वाली सेटिंग है, हमारी फ्रिज अब पुरानी वाली सेटिंग है भाई। हाँ। अब इसको निकालो, मैंने कहा इसको कैसे निकाल सकते, ये मेरा पहला प्यार है। मेरा पहला प्यार नहीं, सबसे पहले तो ये है इनके बाद में, शादी के बाद तो पहला प्यार। हाँ, मेरे बच्चे फिर वो बाद में आए, मेरे ख्याल से सार्थक के बाद आया, पहले आया होगा ये सार्थक, नहीं नहीं सार्थक के बाद हम नीचे थे यार, मम्मी के साथ, मम्मी का फ्रिज था, मम्मी के पास ही तो थे, हमने किचन तो नीचे ही था यार, फ्रिज तो हम अपने लिए इसलिए लानते कि ऊपर नीचे रात को पानी पूरी की चाहिए होती थी, नीचे तो मम्मी की फ्रिज तो बड़ा, तो भाई तीसरा प्यार हो रहा है, तीसरा प्यार चौथा प्यार पता नहीं कौन कौन सा, तीसरा प्यार सही है, सेटिंग सही हो गया अब कमरे के, ठीक है ना, बस ये निकल जाएगा तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब दो तीन दिन में देखते हैं इसमें बनाऊंगा ना वाटर मिलन आइसक्रीम बनाऊंगा सबके लिए, मिंट वाली, सबके मुंह मीठा करवाने हैं अभी। अब देखो आपका फ्रिज लग गया, आपका घर की थोड़ी सेटिंग हो गई, काकू की अच्छी रिजल्ट आ गई थी, तो सब चीजों को मुंह मीठा करवाना अभी, सारी चीजों का सबने मना कर दिया था कि अभी मत देना जब तक तुम क्लियर सही ना हो जाओ। हाँ वो तो देते भी रहते, पता भी नहीं चलता इनको कौन सी चीज कहाँ की आती है सही में, कैंडी बनाएंगे, जो मर्जी बना के देना, पर सबको कुछ और खिला देना, और क्या मतलब, बस कुछ भी खिला देना, कुछ जो मेरा दिल करेगा वो, हाँ तो कुछ खिला देंगे ना बाहर से भी लेके, घर की कैंडी होगी जो फ्रिज के अंदर कोई ऐसी डिश बनाएंगे, वो पैसे से बनेगी भाई, वो ओरिजिनल वाली बनेगी, फूड की फूड कलर नहीं होगा, ओरिजिनल फ्रूट होगा उसका, जो कैंडी तो बनेगी, जितने मर्जी फ्रूट लाके लग दो इसके अंदर, नहीं मैंने मेरी सबसे 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 मेन पंगा ये होता है, हमारे घर में नहीं होता ये, सभी के घरों का वही होगा, नहीं फ्रूट खा के दिन खाता कोई वो अलग बात है, पानी की जो बोतलें खाली होती हैं वो कोई नहीं भरता, ये देख ले ये इसमें बैठा हुआ, सुबह भरा था बेचारे कल काकू ने रात को भर के, पता है हमारे में अभी ऐसे की रौनक नहीं है ना, तो रौनक भरता है बोतलें नहीं, अब इसकी ड्यूटी सार्थक और इसकी ड्यूटी लगेगी, ये तो चल रही थी ना फ्रिज करके जाती है बेचारा पीछे से, तो वही भाई पानी के फ्रिज की ना तेरी ड्यूटी है, कोई बोतल खाली नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये सोच लियो, चलो ब्लॉग का एंड करते हैं गाइस, इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, और हमारी इंस्टाग्राम आई डी काकू फैमिली फटाफट फॉलोअर्स कर लो, 15,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं जल्दी से जल्दी, बाय बाय, हाँ जी बाय बाय गाइस, गुड नाइट गाइस।